गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए अभी जो हमारा अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, मतलब कि पूर्वाकलन एवं लागत। इस अध्याय के बारे में यह महत्वपूर्ण क्यों है, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करने के उद्देश्य से जाते हैं तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो सुपरवाइजर लेवल पे इस पार्ट का, इस अध्याय का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। और देखिए, आपके जो जॉब वगैरह जो आप बनाते हैं प्रैक्टिकल लैब में, वहाँ पे भी इसका काम आता है। अगर आप काम अपना जो है इस विधि से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो काम होगा अन्य के मुकाबले बेटर होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो एक आपके सामने प्रश्न है कि एक आयताकार ब्लॉक जो 100x80x60 mm का है, इस साइज का है, उसको माइलिंग की लागत का पूर्वाकलन करना है। यदि माइलिंग की दर 2 रुपया प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर पे माइलिंग करने का जो कास्ट आता है वो 2 रुपया आता है, इस ब्लॉक पे माइलिंग करने का कास्ट कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब आयताकार ब्लॉक है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि पृष्ठ पे ही जो है माइलिंग का काम किया जाता है। तो देखिए, इस आयताकार जो आपका जो है ये घनाकार ब्लॉक है, इस पे 6 पृष्ठ होंगे, मतलब 6 सतह होंगी, और आमने सामने की किन्हीं 2 सतहों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। तो हम अगर एक सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसी का 2 गुना कर देंगे तो हमें आमने और सामने की दोनों सतहों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे इस आयताकार ब्लॉक का जो साइज है वो 100x80x60 mm का, मतलब ये अगर 100 हो गया, ये 80 है, तो ये 60 mm का हो गया। तो कुल पृष्ठ आपको 3 दिखाई दे रहे हैं और 3 हिडन है। इस तरह से इस ब्लॉक में 6 सतह हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सबसे पहले मान लीजिए निकालते कितना है। देखिए, जो हमारा जो साइज दिया गया है इस ब्लॉक का वो mm में दिया गया है, मतलब मिलीमीटर में दिया गया है, और हमारा जो रेट है माइलिंग का वो 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि इस साइज को हमें सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए। तो अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 का भाग देना होता है, तो अगर ये 60 mm है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 10 का भाग देने पे 6 आएगा। ये 100 है तो ये 10 हो जाएगा, और ये 80 है तो ये 8 हो जाएगा। तो आपका ये जो साइज 100x80x60 दिया था, उसको हमने 10x8x6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, उसका रूपांतरण कर लिया है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला हम लेते हैं, ये आपका जो है 6 है और ये कितना है, 8 है। तो इसका, इस वाले सतह का देखिएगा ध्यान से, अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, एक आयताकार जो है साइज हो गया। तो ये 6 × 8 कितना हो जाएगा, 6×8 = 48। तो 6 × 6 × 8 और उसका 2 गुना करेंगे तो इस सतह के जो सामने की सतह होगी उसका भी क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो हमने जो है इस सतह का क्षेत्रफल निकाल लिया है 6 × 8 करके, उसमें 2 का गुणा कर दिया है, तो आमने सामने की सतहों का क्षेत्रफल आ गया है और ये आया कितना है, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है कि इस सतह का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, जिसको हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। हमें 3 सतह दिखाई देगी, 3 सतह नहीं दिखाई देगी, तो हम 1 सतह निकाल लेंगे तो इसके जो छिपी हुई सतह है सामने जो होगी विपरीत उसका निकल जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकालते हैं, इस वाले सतह का, जिसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का जो है, अगर ये चौड़ाई मान लें और ये लंबाई मान लें, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 × 10। तो 6 × 10 किया है, और इसी के सामने जो होगा उन दोनों का निकालने के लिए 2 का गुणा और कर देना होगा। तो 6 × 10 × 2 तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से ये निकल गया। अब जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और इसके नीचे वाला एक और सतह होगा जो नीचे एकदम पेंदी पे है, तो इसका क्या है कि आपको ये जो है 8 है, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका जो है 8 सेंटीमीटर का हो गया और ये कितना का हो गया, 10 सेंटीमीटर का। तो 8 × 10 करेंगे, देखिए 8 × 10 या 10 × 8 करिए, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो 10 × 8 करिए या 8 × 10 करिए, दोनों ही उत्तर बराबर आता है। तो इस सतह का क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे।
10 गुणे 8 से 3 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन उसमें दो गुना कर देंगे तो 3 के सतह की जो नीचे वाली सतह है उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 10 गुणे 8 गुणे 2 ये कितना हो गया 160। अब हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, सबको हम जोड़ देते हैं, जिससे हमें जितने भी सतह पे माइलिंग का काम करना है हमें उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि इतने क्षेत्रफल पे हमें माइलिंग करना है। तो टोटल 96 प्लस 120 प्लस 160, ये हमने काम किया 96 प्लस 120 प्लस 160। जोड़ने पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ब्लॉक का कितना आ गया 376 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब कि जितने क्षेत्रफल पे हमें करना है माइलिंग का काम वो कितना हो गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रश्न में आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माइलिंग करने पे खर्चा कितना आता है, 2 रुपये आता है। तो 376 पे कितना आ जाएगा, 376 गुणे जो दर है वो उसका गुणा कर देंगे। तो 376 में हम 376 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमें निकालना है माइलिंग का चार्ज, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 2 रुपये आता है, तो 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 752 रुपये। इसका मतलब इस पूरे पे माइलिंग का जो कास्ट आ गया वो कितना आ गया 752 रुपये। अगला जो हमारा प्रश्न है, फिटर वाले जो स्टूडेंट होंगे इस तरह का जॉब बनाए भी होंगे, और आपको दिया क्या है कि कुल अनुमानित लागत कितनी होगी यदि फाइलिंग और स्क्रैपिंग की जो दर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइलिंग करने पे और स्क्रैपिंग करने पे 20 रुपया की कास्टिंग आती है। तो दिए गए ब्लॉक जिसका घनत्व आपको दिया गया 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब ये जो ब्लॉक है जो मटेरियल है इसका घनत्व कितना है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और मटेरियल की जो कास्टिंग है मतलब ये जो मटेरियल लिया गया होगा उसकी कास्टिंग कितनी है 130 रुपये प्रति किलो। मतलब 1 किलो अगर मटेरियल लिया है तो कितना लगा होगा 130 रुपये, 2 किलो लिया होगा तो 130 का 2 गुना हो जाएगा। तो आपको ये जो ब्लॉक है ये जो मटेरियल है इसमें से ये हाफ सर्किल कट करना है और उस पर इस वाले भाग पे फाइलिंग और स्क्रैपिंग करना है, इस तरह से ये जॉब बन जाएगा। तो देखिए ब्लॉक का साइज आपको दिया गया है 90x48x18 mm, मतलब 90 mm क्या है इसकी लंबाई है और 48 mm क्या है इसकी चौड़ाई है और 18 mm क्या है इसकी मोटाई है। मतलब ये अगर मटेरियल होगा तो मोटाई में होगा ही तो 18 mm है। अब अगर आपको जो स्क्रैपिंग और फाइलिंग का रेट है वो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, मतलब 20 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, तो जो आपको ये साइज दिया है उसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 90 को सेंटीमीटर बदलेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 मिलीमीटर है और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग होता है। 48 को बदलेंगे 4.8 हो जाएगा, 18 को बदलेंगे 1.8 हो जाएगा। तो ये जो पूरा मटेरियल लिया गया होगा बिना कटे उसका आयतन कितना आ गया होगा 77.76 घन सेंटीमीटर। तो पूरा मटेरियल बिना अगर हमने कोई जाब नहीं बनाया है तो इतने आयतन का हमने मटेरियल लिया होगा जिसका आयतन कितना 77.76 घन सेंटीमीटर। अब इससे जो हमें जाब काट कर निकालना है वो हाफ सर्किल मतलब अर्धवृत्त निकालना है। तो अर्धवृत्त का हम आयतन निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का आयतन कैसे होगा, ये क्या है पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन ये कितने मोटाई में निकालना है तो 1.8, तो यही आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 इंटू 1.8 मतलब 1.8 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 2.83 घन सेंटीमीटर। तो हमने जो मटेरियल लिया था वो 77.76 घन सेंटीमीटर का था, उसमें से इतना आयतन जो है काट करके निकाल दिया जाता है। तो फाइलिंग और स्क्रैपिंग का जो भाग है मतलब कितने भाग फाइलिंग और स्क्रैपिंग करना है वो यही वाला भाग है जिसमें फाइलिंग और स्क्रैपिंग करना है, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये पूरा जो अगर होता तो ये 2πr होता, तो इतना केवल कितना होगा πr/2 हो जाएगा। अगर ये पूरा सर्किल होता तो ये इसका जो परिधि हो जाता 2πr हो जाता, लेकिन हमें केवल इतना ही भाग का फाइलिंग स्क्रैपिंग करना है तो ये कितना हो जाएगा 2πr/2। तो ये हमने लिखा है 2πr/2, और ये कितने गहराई तक करना है, कितनी मतलब मटेरियल की मोटाई है 1.8, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो ये आपका 2π का मान 3.14 और जो रेडियस है वो 20 दिया है, रेडियस रख दिया और बटे में 2×1.8। ये करने के बाद आया कितना है हमारा 173.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
मतलब इतने क्षेत्रफल पे 113.112 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे हमें फाइलिंग और स्क्रैपिंग करना है, तो स्क्रैपिंग और फाइलिंग का चार्ज अब आसानी से निकल जाएगा। 113.12 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 20, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो फाइलिंग और स्क्रैपिंग का चार्ज आता है वो 20 आता है, तो 113.12 पे कितना आएगा, तो 113.112 में 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 226.22 रुपये। तो स्क्रैपिंग और फाइलिंग का जो चार्ज है वो हमें पता चल गया कि 226.22 रुपये स्क्रैपिंग और फाइलिंग का चार्ज केवल आएगा। लेकिन ब्लॉक का आयतन कितना है, इस पूरे ब्लॉक का आयतन हमें पता था और कटे हुए का भी हमने आयतन ज्ञात कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट है इसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरे भाग का आयतन कितना है, 77.76 घन सेंटीमीटर, और जो काट काट कर निकाला जा रहा है वो कितना है, 2.83 घन सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब इस वाले भाग का आयतन कितना बच गया, 74.93, घटाने पे तो आएगा, तो 74.93 घन सेंटीमीटर इस वाले पार्ट का आयतन रह गया। ठीक है, अब ब्लॉक का भार कितना है, ब्लॉक का हम अब ये जो मटेरियल बच गया है, ये जो पदार्थ बच गया है उसका हमें भार निकालना है, और भार निकालने का फार्मूला क्या होता है, भार बराबर होता है, हमने आपको एक डायग्राम बताया था कि आप इस डायग्राम को हमेशा याद रखेंगे, इसमें हमने क्या कहा था कि आपको रो लिखना होगा और यहाँ पे भी लिखना होगा, यहाँ पे एम लिखना होगा। ठीक है, तो अगर आप घनत्व में आयतन का गुणा करते हैं तो आपको द्रव्यमान निकल जाता है, और द्रव्यमान में गुरुत्व त्वरण का गुणा करते हैं तो भार निकल आता है। तो हमें इस मटेरियल का जो यहाँ पे बच जा रहा है इसका हमें क्या निकालना है, भार निकालना है। अब चूंकि हमें जो है इसका आयतन पता ही है और ये जो मटेरियल है इसका घनत्व भी पता है, तो दोनों का गुणा करने से क्या निकलेगा, इसका भार निकल आएगा। तो गुणा कर लेते हैं, आयतन में घनत्व का गुणा करने से क्या आएगा, इसका भार आ जाएगा। तो 74.93 घन सेंटीमीटर गुणे 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, इसका द्रव्यमान आ गया, इस ब्लॉक का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। तो इस ब्लॉक का द्रव्यमान आ गया कितना आया है, 584.45 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान कितना आ गया है, इतना सरल करने के बाद इसका द्रव्यमान आ गया 584.45 ग्राम। लेकिन हमें इसका जो है द्रव्यमान किसमें निकालना है, किलोग्राम में निकालना है कि ये मटेरियल कितना बचा हुआ है। तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में बच जाएगा, तो 1000 का भाग देंगे तो 10.5845 किलोग्राम हो जाएगा। तो जो मटेरियल बचा हुआ है ये कितना है, 10.5845 किलोग्राम का मटेरियल बचा हुआ है। अब इस मटेरियल का हमें क्या निकाल लेना है, कीमत निकाल लेना है। तो हमें पता ही है कि 1 किलोग्राम का कितना कास्टिंग आ रहा है, 30, तो बचा हुआ मटेरियल की कास्टिंग कितनी आ जाएगी, 10.5845 गुणे 130, ये गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी कीमत कितनी है, 75.98 रुपये। ठीक है, अब हमें कुल इस पे जो है लागत कितनी आई है वो जोड़ देना है। तो मटेरियल का हमने कीमत निकाल लिया कि जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी कीमत कितनी है, और प्लस इस पे हमने जो फाइलिंग और स्क्रैपिंग किया है उस पे कास्टिंग कितनी आई है, दोनों हमने अलग अलग निकाल लिया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें इस पे पूरा जो अनुमानित लागत है वो निकाल लेंगे। तो कुल कास्ट कितनी होगी, मटेरियल की कास्ट प्लस फाइलिंग और स्क्रैपिंग की कास्ट। तो मटेरियल की कास्ट कितनी आई है, 75.98 रुपये आई है, और फाइलिंग और स्क्रैपिंग की कास्ट कितनी आई है, 226.22 रुपये। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 302.20 रुपये। तो इस पे जो है पूरा जो कास्टिंग आ गया वो कितना आ गया, 302.20 रुपये। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का पूर्वाकलन करते हैं तो इसपे कितना खर्च आ सकता है। देखने के लिए आपको धन्यवाद।